वसई के सबसे चर्चित मामलों में से एक वसई सांडोर प्रकरण, जिसमें नवंबर 2018 में दर्ज हुई एफआईआर वाले मामले के फरियादी माइकल जॉन प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला होने की जानकारी सामने आई है। ज्ञात हो ये वही प्रकरण है जिसमें दर्ज हुई एफआईआर में मनपा, तहसील, भूमि अभिलेखा, तलाठी आदि कार्यालयों के अधिकारियों समेत कुछ वकीलों को भी आरोपी बनाया गया था और एक ही एफआईआर में 46 लोगों को नामजद कर मामला दर्ज किया गया था। तब वसई में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई थी। 2018 से उक्त मामले की जांच आर्थिक गुनाह शाखा कर रही है और मामला आज तक न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद कल फरियादी माइकल जॉन प्रधान के ऊपर प्राण घातक हमला किया गया। मिली जानकारी के अनुसार माइकल प्रधान, जिनकी सर्वे नंबर 155 व 158 जूना 164 168 नया की विवादित जमीन का मामला कोर्ट में प्रलंबित होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा उस जमीन पे बड़े विशाल और काफ़ी पुराने झाड़ को काटकर कंपाउंड का काम चल रहा था। माइकल प्रधान, जिनका यह दावा है कि उपरोक्त दोनों सर्वे नंबर की जमीन का मालिकाना हक उनका है, उस झाड़ कटाई की तस्वीरें अपने मोबाइल में लेने की कोशिश की, जिसे कंपाउंड का काम करने वाले खफा हो गए और जॉन प्रधान को घेर कर जमीन पर पटक कर लाठी डंडों से पीटा, मोबाइल छीन के सभी तस्वीरें डिलीट की। उपरोक्त जानकारी माइकल प्रधान द्वारा पुलिस उपायुक्त सदानंद दाते को व्हाट्सएप पे भेजे गए मैसेज के सामने आए स्क्रीनशॉट से हुई। आपको यह भी बता दें कि माइकल प्रधान ने पहले ही पुलिस को पत्र लिखते हुए अपने साथ किसी तरह के अनहोनी होने का अंदेश जताते हुए सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने माइकल प्रधान की अर्जी को हल्के में लेकर सुरक्षा प्रदान नहीं की, जिसका नतीजा यह निकला कि माइकल प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस अब माइकल प्रधान को सुरक्षा मुहैया करवा पाएगी या इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे सिस्टम के विपरीत चल रहे इकलौते शख्स की जान को इसी तरह जोखिम में डालती रहेगी। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।